हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। गाइस, आज हम एक इवेंट कंप्लीट करने वाले हैं और TTH13 चैलेंज। एक ही अटैक करना है, लेकिन यहां पर 3 स्टार होना चाहिए, तभी 3 स्टार करते ही हमें मिल जाएगा एक रिसर्च पोशन, 13 जम्स और 400 XP। तो गाइस, एक अटैक कर लेते हैं, इतना सब कुछ मिल रहा है हमें। तो पहले भी हमने एक बार किया था गाइस, ये विदाउट प्लान के बिना ये 3 स्टार नहीं होता। तो आज हम कुछ स्ट्रेटेजी देखेंगे इसके लिए भी। और पहले बेस को देखें अगर हम गाइस, बेस कैसा है TH13 का यहाँ पर, और 3 स्टार करने की कोशिश करेंगे हम प्लान के साथ, ऐसे नहीं। ओ बाप रे गाइस, 4 इन्फर्नोज है, टोटल 8 इन्फर्नोज। और यहाँ पर जो बीच में दो मल्टीपल इन्फर्नो, इनके दोनों साइड में सिंगल इन्फर्नो है। तो गाइस, आर्मी अगर हम देखें, यहाँ पर 5 हीलर्स, 2 लोन्स और 2 यहाँ पर हेड हंटर हैं, 2 जैप, 5 रेज, 5 फ्रीज, 3 इनविजिबल स्पेल्स और 1 पॉइजन है। और हीरोज तो मैक्स हैं, यहाँ पर निपटना यहाँ पर है इन्फर्नो से भी, और साथ में हीरोज भी हैं और सीसी भी होगा क्योंकि क्लैन कासल भी है। तो देखते हैं क्लैन कासल में क्या होगा। तो गाइस, ये प्लान यहाँ पर होगा गाइस, सबसे पहले इस तरफ हम वार्डन डिप्लॉय करेंगे, पीछे हीलर्स, और जो ही एयर डिफेंस हम ले लेंगे गाइस। यहाँ पर जो सिंगल इन्फर्नो है, यहाँ पर 2 लोन्स और फ्रीज करेंगे इन्फर्नो को, एक रेज के साथ सिंगल इन्फर्नो ले लेंगे ताकि हमारा वार्डन आगे बढ़े। और इस तरफ जो सिंगल इन्फर्नो है, दूसरी तरफ 1 o'clock की तरफ, वहां पर भी गाइस हम डिप्लॉय करेंगे RC। तो यहाँ पर गाइस पहले ही स्केल्टन्स निकल गए, तो काफ़ी सारे स्केल्टन्स हैं और होंगे भी काफ़ी सारे स्केल्टन्स बाहर होंगे, और बॉम्ब्स, जाइंट बॉम्ब भी होंगे। और अब तो गाइस यहाँ पर एयर डिफेंस डाउन हो गया है, तो इन्फर्नो को फ्रीज और रेज, 2 लोन सिर्फ हैं, 2 ही लोन्स थे यहाँ पर हमारे पास, और जैप तो हैं। तो इस तरफ जो 2 मल्टीपल इन्फर्नो दोनों साथ में, इन पर हम डिप्लॉय करेंगे। तो अभी तक गाइस अटैक सही जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पर अलेक्सिस स्टोरेज भी ले ली वार्डन ने, और अब इन्फर्नो, दूसरी बड़ी बात गाइस, यहाँ पर जो सेकंड इन्फर्नो वार्डन से हम ले रहे हैं मल्टीपल इन्फर्नो, और यहाँ पर हीरोज तो डबल हैं, डबल आर्चर क्वीन, ये कॉम्बो बनाया हुआ है, खतरनाक बेस। तो लेकिन 3 स्टार तो हमें करना है। तो लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि वार्डन यहाँ पर काफ़ी दूर से अटैक कर रहा है RC को, क्योंकि RC की रेंज उतनी नहीं है कि वार्डन को वो गाइस अटैक कर सके। तो यहाँ पर फिर से स्केल्टन्स निकले थे, तो यहाँ पर तीसरे इन्फर्नो को अभी वार्डन ने फिर से गाइस, लगता है 3 इन्फर्नो तो ले लेगा वार्डन। और अभी आगे का प्लान देखेंगे कि सही प्लान क्या रहेगा। और यहाँ पर क्या आर्चर क्वीन को भी ले लेगा वार्डन विदाउट आर्चर क्वीन के अटैक करे बिना। तो यहाँ पर एक RC ले ली, और अभी तक सिर्फ हमने एक ही रेज यूज़ किया है, हमारे पास 5 रेज थे, एक रेज यूज़ किया जो हमारे पास 2 लून्स थे, जिसे हमने 2 एक इन्फर्नो लिया सिंगल। अभी 4 फ्रीज भी हैं, 3 इनविजिबल, 1 पॉइजन और क्लैन कासल भी है। तो गाइस क्लैन कासल भी डाउन करना पड़ेगा। तो इस तरफ गाइज हमने RC डिप्लॉय कर दी, यहाँ पर फ्रीज करना पड़ेगा सिंगल इन्फर्नो को, जल्दी से एबिलिटी भी यूज कर ली हमने ताकि किंग अटैक करने से पहले ही हम सिंगल इन्फर्नो डाउन कर सकें, तो ये बड़ी बात है। तो गाइज अगर आपका यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो डाउन नहीं हुआ तो आप इनविजिबल स्पेल भी यूज कर सकते। तो यहाँ पर टोनऑल भी एक्टिवेट हो गया, तो एक तरफा RC ने थोड़ी हेल्प की है सिंगल इन्फर्नो को डाउन करने में, और यहाँ पर एक रेज यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टोन हाल का जो इन्फर्नो बीम है काफी डैमेज देता है। लेकिन अब यहाँ पर टोन हाल भी हमने ले लिया, तो 1 स्टार तो मिल गया। और अब यहाँ पर किंग को भी गाइस, ये बड़ी खासियत है वार्डन की, काफी दूर से अटैक करता है, तो देखते हैं अभी कहाँ तक वार्डन हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अभी हम अर्चर क्वीन और किंग को डिप्लॉय करने वाले, लेकिन उससे पहले हमें डाउन करने हैं हीरोज, क्योंकि वरना हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। ओ बाप रे, यहाँ पर गाइस CC से हीलर्स निकले, यहाँ पर क्या किया जाए,
तो हमें पॉइजन करना चाहिए था, क्या हमें पॉइजन करना चाहिए था? गाइज यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, पॉइजन करें आप हीलर्स को और फ्रीज करें जो यहाँ पर सुपर वल्करीन यहाँ पर सीसी से निकलती है, सिर्फ दो ही हैं, उनको आप फ्रीज कीजिए। हमने यहाँ पर पॉइजन किया सुपर वल्करी को, लेकिन आप हीलर्स को कर दें, क्योंकि ये हीलर्स जो है, देखो किंग कब से ये वार्डन अटैक कर रहा है, लेकिन किंग अभी तक डाउन नहीं हुआ, उतनी हेल्थ जितना डैमेज दे रहा है यहाँ पर वार्डन ये काफ़ी गाइस मज़ेदार है। तो अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा, तो एक रेज के साथ देखते हैं। यहाँ पर एक शॉट और जो ले लिया गाइस, यहाँ पर बड़ी बात, यहाँ पर किंग डाउन हो गया, लेकिन अभी तक हीलर्स हैं, वो फ्रीज करना पड़ेगा यहाँ पर हीलर्स को भी आई थिंक। ओ बाप रे, अब अर्चर क्वीन पे हीलर शिफ्ट हो गए, अब यहाँ पर फिर से हमने फ्रीज किया लेकिन कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर वो एट फाइनली गाइस कि जब हीलर्स पे फ्रीज किया हमने हीलर्स को, तो गाइस एक गलती यहाँ पर जो हमसे हुई कि हमने पॉइजन नहीं किया हीलर्स को, हमने हीलर्स को पॉइजन करना है और सुपर वल्करी को फ्रीज। तो अभी तक भी हीलर्स हैं काफी सारे, तो अब गाइस उस तरफ यहाँ पर जो डार्क यहाँ पर दो जैप यूज कर लेते हैं। तो अब हम हीरोज यहाँ पर, ये वार्डन किसको अटैक कर रहा है बाप रे, चलो छोड़े अभी देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हमने अर्चर क्वीन डिप्लॉय कर दी और अब किंग को भी डिप्लॉय करेंगे, थोड़ा क्वीन आगे आ जाए। यस, तो गाइस यहाँ पर टेस्ला फॉर्म भी है, तो आगे किंग और पीछे क्वीन आ गई। तो वार्डन एबिलिटी भी अभी हमारे पास तीन इनविजिबल भी हैं, तो वार्डन एबिलिटी यूज कर लेनी पड़ेगी यहाँ पर, इनविजिबल स्पेल और रेज और वार्डन एबिलिटी। अब तो यहाँ पर गाइस आपने वार्डन एबिलिटी यूज कर लेनी है, इतना टाइम नहीं लगता अगर हमने यहाँ पर हीलर्स को पॉइजन कर दिया होता। तो आपने हीलर्स को पॉइजन करना है और फ्रीज करना है। तो अब हमारी जो हीलर्स हैं, वार्डन रोड डाउन हो गया लेकिन हीलर शिफ्ट हो गया क्वीन पर, तो काफी इजीली हो जाएगा गाइस ये थ्री स्टार। इनविजिबल आप लास्ट में यूज कर सकते हैं, वार्डन चाचा हमारा तो अभी गया गाइस, अभी तक था। काफी अद्भुत गाइस ये बेस है, तो हेड हंटर अब हमने डिप्लॉय किए, पहले भी हम यूज कर सकते हैं जैसे गाइस, तो प्लान यही है गाइस, आप वार्डन को डिप्लॉय करें आगे आप इजीली कर लेंगे, लेकिन वार्डन को थोड़ा लंबा जो चार्ज है चलने दीजिए, ताकि जो मल्टीपल इन्फर्नो आप डाउन कर सकें, तो एक तरफ आप हीरोज एसिड डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थी स्ट्रेटजी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइस अब हमें मिल गई यहाँ पर 13 जंप्स और 400 XP और एक रिसोर्स पोर्शन। तो गाइस आप, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई गाइस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।